welcome to mjc learning students today's session we are going to learn about advantages of depository system now let me tell you about depository system depository system is a system of holding the shares in an electronic form and electronic form is a safest method of holding shares so here the topic is advantage of depository system okay now if example i want नोट बुक और टेक्स बुक विच इज है कागज के रूप में है वो टेक्स बुक जिसमे हमारा सॉन्ग है देर इज अ पॉसिबिलिटी उधर पूरा चांस है की वो फट जाएगा कभी भी बारिश से या चोरी हो जाएगा या उसे फोल्ड कर करके कर बैग में रख रख के वो खराब हो सकता है बट यही सॉन्ग अगर मैंने नेट पे रखा है नेट पे देखा है और वहां से जब भी चाहिए तभी मैं खोलू और उसे ओपन करूं, और रीड कर लू और वापस बंद कर दू विच इज बेस्ट जो नेट पे है वो बेस्ट या मेरे पास जो बुक है वो बेस्ट अब आई होप यू अंडरस्टूड कि डिपॉजिटरी क्या है नेट पे जो सॉन्ग है वो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड है और दूसरा है जो पेपर मेरे पास है जो बुक मेरे पास है वो फिजिकल मोड है वो पेपर फॉर्म जो बुक है मेरे पास वो फटने का पूरा चांस है। इसके लिए टुडे टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी, यस इलेक्ट्रॉनिक मोड अब एडवांटेज क्या है फर्स्ट एलिमिनेट ऑफ रिस्क देर इज नो रिस्क इन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक में फटने का कोई चांस नहीं है चोरी होने का कोई चांस नहीं है लेट होने का कोई चांस नहीं है और उस चेहरा बुक का खराब होने का भी चांस नहीं फोल्ड करके या बेंड हो गया या गीला हो गया तो खराब हो गया वो चांस है ही नहीं किस में नहीं है डिपॉजिटरी सिस्टम देर इज नो वे ऑफ रिस्क नो डीले नो लेट नो लॉस्ट नो बडी कैन टेक फ्रॉम नेट कैन टेक न डाउनलोड मेनी टाइम बट अगेन यूल फाइंड इन नेट नेट पे हमेशा आपको मिलेगा चोरी नहीं होगा डीले नहीं होगा खराब नहीं होगा कभी भी जितने बार आप देखोगे आपको नेट पे आपका सॉन्ग मिलता ही रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड है जिसमे कोई रिस्क नहीं है दूसरा सेफ्टी है इलेक्ट्रॉनिक मोड इज अफेस्ट एंड सिक्योर वे वो सेफ्टी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं है इजी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना बहुत आसान है ए को शेयर नहीं चाहिए बी के अकाउंट में आ जाएगा अगर यही फिजिकल कागज के फॉर्म में है तो उसको ट्रांसफर फॉर्म भरना। भरनाज टू फिल द ट्रांसफर फॉर्म पे स्टैम्प ड्यूटी बट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इन डिपोजिटरी सिस्टम देर इज नो सच प्रोसीजर्स इजी ट्रांसफर अपडेट एंड इंटीमेशन वट एवर शेयर मैंने जब भी जब भी मोबाइल रिचार्ज किया है मुझे स्टेटस आता है आपका अकाउंट इज रिचार्ज ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक यही फिजिकल में आएगा क्या नहीं आएगा मुझे लेटर नहीं आएगा सो so, इन्वेस्टर गेट्स जब भी आप मोबाइल रिचार्ज करते हो आपको स्टेटस आता है योर मोबाइल इज रिचार्ज सक्सेसफुली वे शेयर जब जब अकाउंट में डाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन आता है बाई डी पी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जहा पे उसने अपना शेयर डाला है जो बैंक में डाला है दट बैंक इज कॉल्ड एज डीपी यह डिपोजिटरी के पास से इन्फॉर्मेशन आएगा सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन अगर मुझे लोन चाहिए और मेरा शेयर बैंक में है इलेक्ट्रॉनिक मोड में मुझे बैंक में जाना है और बताना है मेरे पास इतना शेयर है तो बैंक मुझे आसानी से लोन दे देगा सिक्योरिटी डी मटलाइज सिक्योरिटी वॉट एवर शेयर आई एम हैन यूज एट सिक्योरिटी फॉर लोन आई कैन गेट द लोन वेरी इजिली बिकॉज डी मैट अकाउंट के अंदर जितने भी शेयर है उसके उस बलबूते पे मुझे लोन मिल जाएगा नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट सी हंड्रेड का लॉट होता है देर आर टू लॉट्स दो लॉट है एक ऑड लॉट है और दूसरा इवन लॉट है ऑड लॉट यानी वन टू नाइनटी नाइन के अंदर अगर शेयर आप ले रहे हो तो वो ऑड लॉट है अगर ईवन लॉट या राउंड लॉट भी कह सकते हंड्रेड एंड मल्टीपल ऑफ हंड्रेड हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड देन इट इज कॉल्ड एस इवन लॉट इफ इट इज लेस देन हंड्रेड वन टू नाइनटी नाइन देन इट इज कॉल्ड एस ऑड लॉट ये फिजिकल में ये बोला जाता है ऑड लॉट इवन लॉट ओके की आपको ऑड में नहीं लेना है इवन में ही लेना है सौ लेना है टू हंड्रेड लेना है थ्री हंड्रेड लेना है यू हैव टू टेक इन दिस Sometimes company will say odd lot nahi milega. But if it is dematerialization, electronic mode, there is no lot. Any way you can take share. You can take 67 share. You can take 100 share. You can take 23 share. There is no odd and no even lot. One lot is one share. Now what is lot? 100 shares, one lot. So that is called as one share. One lot is one share so there is no even lot and odd lot in electronic mode <coughs> nomination facility see in the bank account we have nomination facility if mr a is having a bank account and he will give his wife's name as a nominee ki mere baad ye paisa kiske paas jana इलेक्ट्रॉनिक मोड के वजह से नॉमिनेशन देना बहुत आसान हो गया आपको बैंक में जाना है आपको नाम देना है मेरे फॉर्म में नॉमिनी का नाम डाल दो डाल देंगे इट्स वेरी सिंपल इन इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल में ऐसा नहीं है आपको फॉर्म भरना है फॉर्म देना है चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स देना है बहुत बड़ा प्रोसीजर है बट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड नॉमिनेशन इज वेरी इजी नॉमिनेशन इज रिक्वायर्ड इफ मिस्टर ए डाइज इंस्टेड ऑफ मिस्टर ए मिसेस ए विल गेट द शेयर सो एट द टाइम ऑफ डेथ दिस नॉमिनेशन इज वेरी यूजफुल ऑटोमेटिक क्रेडिट Account of investor is automatically credited or debited. See, if I put money in my account, it is credited. If I go to the ATM and remove the money, it is debited. Electronic mode. So, if I am going to the bank, our ATM, I remove the money, it is debited. If I put the money, it is credited automatically. I get a message in my mobile same way shares also when you put when you deposit it is credited in your account you will get a message when you sell your share through dematerialization then it is debited you get your information so whenever dividend issue of bonus shares right shares everything you get information in your electronic mode now we'll see advantage to companies what are the advantage of dematerialization to companies see company gets all information from depository how many shares are there with so what type of shareholder equity shareholder how many shares they are having मार्कशीट so कागज दे कि कि के रूप में, में मिलता था तो हमें देना पड़ता था सर्टिफिकेट बोनस शेयर ट्रांसफर कॉस्ट यानी भेजने का कॉस्ट बोनस देने का कॉस्ट इस सब के लिए पैसे लगते थे अब सब इलेक्ट्रॉनिक है अपने आप वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो आपको बाहर जाके बांटने का खर्चा कम बोनस शेयर देने का खर्चा कम बेचने का भी खर्चा कम हो गया बिकॉज ऑफ डीमलाइजेशन बेटर इन्वेस्टर रिलेशनशिप नाउ सी इफ आई एम गेटिंग ऑल माई इंफॉर्मेशन ऑन माई मोबाइल विच इज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड आई एम वेरी हैप्पी अरे मेरे बैंक ने मुझे इंफॉर्मेशन दे दिया यस सो पब्लिक दैट इज अर होल्डर इज वेरी हैप्पी सो कमीज रिलेशनशिप इनक्रीजेस एंड देर इज नो लॉस ऑफ सर्टिफिकेट ऑल आर ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड सो घूमने का चांस नहीं सिग्नेचर अलग है वो चांस नहीं अलॉटमेंट का टाइम बहुत ज्यादा है ये सब कम हो जाता है इसके लिए कंपनी का गुडविल पब्लिक के बीच बढ़ जाता है सो रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर इंक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मोर देर इज नो कम्पलेन शेयर सर्टिफिकेट घूम गया सिग्नेचर बराबर नहीं है स्टैम्प बराबर नहीं है अपने टाइम पे दिया नहीं शेयर सर्टिफिकेट ऐसा कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है सो कम्युनिकेशन इंक्रीजेस एंड गुडविल ऑल्सो इंक्रीजेस बिटवीन investor and shareholder uh, investor and the company the last point international investment see international means foreign countries nowadays because of liberalisation we are able to sell our shares to foreign residents also so टर्न ओवर कैपिटल इज मोर बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल सेल ऑफ शेयर डिपोजिटरी बिकॉज ऑफ डिपोजिटरी ये इलेक्ट्रॉनिक मोड के वजह से वेर एवर यू स्टे इट इज इजियर टू परचेज शेयर आवर इंडियन शेयर कैन बी परचेज फ्रॉम एनी कंट्री because of depository yes so foreigners are able to purchase the share of indian company because of depository so our sale of share is more so in the last one conclusion i'll say electronic method of sale of share is depository system in every bank you are having a depository system bank nowadays they are doing the work of share so they are called as depository participants so if you go to any of the bank there you will have we are providing dmat account facilities that means that bank is a depository participant where you can have your Share account. You can put your share, you can keep your cash also in that bank. Okay. Hope this topic wasn't understood in a very simple manner to you. Thank you, students.